हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चालू हो गया है और मौसम जो है ठंडा हो रहा है अभी दोस्तों। तो इन बारिशों में और ठंड के मौसम में हम अपने हेयर की किस तरीके से केयर करें, कुछ बहुत आसान से ऐसे तरीके हैं दोस्तों, जिसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर इसे मेंटेन रखते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बाल जो है आप कम्प्लीटली मतलब अच्छे से आप खुश हो जाएंगे, मतलब अपने हेयर के मामले में। तो सबसे पहली बात जो है वो है, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस से आए हैं और आते समय अगर आपके बालों में जो है बारिश के पानी पड़ चुका है, आपके बाल भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं, तो हम सभी ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो घर पहुंच गए और उसके बाद हम पंखे के नीचे बैठेंगे तो हमारे बालों को जो है हवा मिलेगी तो ड्राई हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उससे, बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि डैम्पनेस आ जाती है आपके बालों में दोस्तों, और डैम्पनेस से जो है एक फाउल सी स्मेल आना चालू हो जाती है हेयर से, जो आपके बालों को जो है वो और वीक करना चालू कर देता है। और अंदर ही आपके बालों में आपको लगेगा कि रफनेस आना चालू हो गई है बारिश के पानी से, तो फाउल सी स्मेल आती है दोस्तों, और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है चालू हो जाती है दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा आपको जो है खारिश फील होगी, बहुत इचिंग फील होगी आपको अपने बालों में, ये सारी प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, आप जैसे अगर आपको लगता है आपके बाल भीग चुके, थोड़े भी अगर भीगे हैं दोस्तों, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा भीगे तो नहीं, थोड़े से भी अगर आपके बालों में बारिश का पानी गया है ना दोस्तों, तो आपने अगर आपसे हो सके तो आप घर पे आके आप तुरंत हेयर वॉश कर लीजिए अपना, या तो अगर पॉसिबल नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए दोस्तों। हेयर वॉश हमेशा, कोई भी बंदा मुझे देख रहा है अगर, माइल्ड शैम्पू का ही यूज़ कीजिएगा, अभी मानसून के टाइम पे भी माइल्ड शैम्पू का ही यूज़ कीजिए दोस्तों। माइल्डी शैम्पू एक है शैम्पू, जिसकी रिव्यू मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, और दूसरा क्लिनिक प्लस जो कि आलमंड ऑयल वाला शैम्पू, ये दोनों शैम्पू सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरी नज़र में, और इन दोनों की रिव्यू मेरे चैनल पर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक भी डाल दूँगी दोस्तों, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। भीगे हुए बालों में आपने कभी भी मतलब उसे कंटिन्यूटी नहीं देनी, आपने उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपने जो है हेयर वॉश कर लेना है अपना दोस्तों। ये मानसून में जैसे कि बारिश चालू हो जाती है तो मौसम जो है दोस्तों ठंडा हो जाता है, तो ठंडे मौसम में हमने अपने बालों को स्टीम देनी चाहिए अच्छी, आप कोई स्टीमिंग कैप ले लीजिए दोस्तों, स्टीमर कैप भी ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, आप मेरी एक रिव्यू भी है स्टीमिंग कैप के ऊपर दोस्तों, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे अपने बालों को जो है हर हफ्ते आप स्टीम दीजिए दोस्तों, ताकि आपकी जड़ें जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मतलब रूट्स में स्ट्रेंथ आए आपके बालों की, और आपको अच्छी हेयर ग्रोथ मिले और अच्छे मतलब आपको घने बाल मिले। बारिश के मौसम में जैसे कि मैंने आपसे कहा, मौसम ठंडा हो जाता है तो हमारे बालों में जो है ड्राइनेस आ जाती है फ्रेंड्स, किसी की ऑयली स्कैल्प भी अगर होगी ना तो इस मौसम में ड्राइनेस आती ही आती है दोस्तों, हमारे स्किन में भी और हमारी स्कैल्प में भी फ्रेंड्स, तो हमने जो है ऑयलिंग करनी चाहिए बालों की, और ऑयलिंग मेरी नज़र में तो सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल में, अगर आप कपूर की गोलियां डाल दें, जो हम पूजा में जो कपूर की गोलियां यूज़ करते हैं, आप उसकी रिव्यू भी मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगा दोस्तों, वो ऑयल आप घर पर बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है वो ऑयल बनाने का, या नॉर्मल आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे बता दूं, आपने एवरी वीक या हफ्ते में दो वक्त आपने जो है ऑयलिंग करनी है, और हो सके तो ठंड के मौसम में आप थोड़ा सा वॉर्म ऑयल आप लीजिए, जो आप बर्दाश्त कर सके, वॉर्म जो आप बर्दाश्त कर सके अपने स्कैल्प पे, उतना आप वॉर्म कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा वॉर्म ऑयल जो है यूज़ कर लीजिए, लूब वॉर्म भी होगा जो आपके स्कैल्प जो है ले सके, उसकी जो पावर है अच्छे से मसाज कीजिए। ऑयलिंग बालों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम में जो हमारी स्कैल्प जो है ड्राई हो जाती है दोस्तों, ड्राई स्कैल्प आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने चालू हो जाएगी दोस्तों, ड्राइनेस से डैंड्रफ की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इचिंग आपको फील होगी, मतलब लिटरली आप स्क्रैच करेंगे अपनी हेड पे, और साथ ही साथ आपको मैं कहूँगी कि हेयर वाइटनिंग, अगर किन लोगों को ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, तो उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना भी चालू हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है दोस्तों। यस, डैंड्रफ अगर किनको बहुत ज़्यादा है तो उनके बाल जो है जल्दी सफ़ेद होते हैं फ्रेंड्स, तो वो सब प्रॉब्लम्स ना हो तो ठंड के मौसम में हमने जो है ऑयलिंग हमारे बालों में हमेशा होनी चाहिए।
मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि जब आप हेयर वॉश करते हैं इन ठंड के मौसम में, मानसून के मौसम में, या ठंड जैसे चल रही है, ठंडा मौसम जैसे चल रहा है, मानसून में तो आपने जो है हल्का सा वार्म वाटर होना चाहिए दोस्तों, हल्का सा वार्म वाटर से ही आपने अपनी हेयर वॉश करनी चाहिए। कभी भी ठंडे पानी से अपनी हेयर वॉश ना कीजिए, स्पेशली स्पेशली विंटर्स के मामले में। जैसे अभी मौसम ठंडा चल रहा है, जैसे बारिशें चालू हो चुकी है, तो आप हल्का सा वार्म वाटर से आप हेयर वॉश करें। जैसे ही डैम्पनेस की जो स्मेल होती है, जो एक अजीब सी फाउल सी स्मेल होती है जो हमारे स्कैल्प से आती है दोस्तों, वो नॉर्मल वाटर से नहीं जाएगी। आप थोड़ा सा वार्म वाटर अगर यूज़ करेंगे ना अपने बालों में, अगर आप अच्छे से हेयर वॉश करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी, आप देखेंगे कि वो स्मेल भी चली गई है आपके स्कैल्प से, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको स्कैल्प में भी आपको फील होगा कि थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। मैं आपको इतनी गारंटी से कह रही हूँ, आप एक वक्त इस तरीके को यूज़ करके देखिए, हल्के से वार्म वाटर से आप इन ठंड के मौसम में जो है अपने हेयर को वॉश कीजिए फ्रेंड्स। हेयर में और मॉइस्चर और हाइड्रेशन लाने के लिए ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड के मौसम में जिनकी ऑयली स्कैल्प भी होती है ना दोस्तों, वो भी ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी ठंड का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा मतलब राइज हो जाता है कि काफ़ी लोगों को मतलब ड्राइनेस की शिकायत हो जाती है। तो आप एक हेयर मास्क भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि है एक येलो का दोस्तों और कर्ड का। मैं उसकी रेमेडी जो हेयर मास्क है अपने हेयर पे लगा के बहुत जल्द अपने चैनल पे उसकी अपलोड करूँगी वीडियो दोस्तों, डेमो करके मैं पूरा अच्छे से अपलोड करके बता दूँगी आपको किस तरीके से करना है, बहुत ईजी चीज़ है। तो आप ये हेयर मास्क लगा सकते हैं, आप एक कटोरी में दही लीजिए और उसमें येलो पार्ट डालिए दोस्तों, एक जो पीला हिस्सा होता है तोड़ के एक चम्मच से पीला हिस्सा निकाल लीजिए और उसमें डाल के उसे अच्छे से मिक्स कीजिए फ्रेंड्स। और जिस तरीके से उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, जिस तरीके से आपने ऑयलिंग करते हैं ना अपने बालों पे, उसी तरीके से आपने ऑल ओवर अपने हेयर पे लगाना है। और एक शीट ऊपर लगा लीजिए, 20 मिनट तक उसे लगा के रखिए, और वापस से जो है वार्म वाटर से ही आप अपनी हेयर वॉश कीजिए दोस्तों। माइल्ड शैम्पूज मैंने जैसे कि आपसे कहा, माइल्डी शैम्पू एक है, मैं इन सारे चीज़ें जो भी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ना दोस्तों, उनके सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स। और बात करें एक और चीज़ की दोस्तों, तो मैंने जैसे कि आपको ऑयल बताया दोस्तों, एक और ऑयल है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, जो कि है केशकांति ऑयल दोस्तों। मैंने उसे एक वक्त लगाया है और थोड़ा मुझे बेटर फील हुआ है, मैं थोड़ा और उसे कंटिन्यू करती हूँ लगाना, और मैं देखूँगी कि मतलब मुझे किस तरीके से उसका जो है इफ़ेक्ट मिल रहा है, और मैं उसकी रिव्यू भी बहुत जल्द शेयर करूँगी जो केशकांति तेल है दोस्तों, तो मैं उसकी रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये है कुछ मेरे हेयर केयर टिप्स दोस्तों, बहुत ही आसान टिप्स है दोस्तों, इसे यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में, और देखेंगे तो आप वाकई में आप मानिएगा इस बात को, इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो आपको अपने बालों के मामले में काफ़ी अच्छा फील होगा और राहत मिलेगी। मतलब चिपचिपापन, चिपचिप बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिशों में भी, मतलब स्मेल एंड ऑल, ये रेमेडीज़ आप यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, मैं गारंटी से आपसे कहती हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये टिप्स हैं मेरी मॉनसून विंटर हेयर केयर टिप्स दोस्तों। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई है, और पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को तो बहुत बहुत सारे लाइक्स देने हैं दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है फ्रेंड्स। और ये आप बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ जी, थोड़ा मेरे रूम में थोड़ा काम है, तो मैंने अभी थोड़ा दूसरी तरफ मैं बैठी हूँ फ्रेंड्स। तो आप बताइए आपको ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। वैसे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि है डेली रिव्यू 006। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, और ये रेमेडी यूज़ कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों कि आपको मेरी ये रिव्यू कैसी लगी है, ये टिप्स आपको कैसे लगे दोस्तों, बहुत ईजी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, बाय।